मोहन यादव थे जरूरी या यादव सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को मामा को हटाना था जरूरी? जिस नाम की नहीं थी चर्चा उसे क्यों बनाया गया सीएम? मोहन यादव के सहारे बीजेपी लगा रही एक तीर से कई निशाने। छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान कर दिया है। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक बने डॉक्टर मोहन यादव एमपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी आलाकमान ने दो डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया है। यह पद जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला संभालेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वह नाम सबसे आगे कैसे पहुंच गया जो लिस्ट में कहीं पर था ही नहीं। मोहन यादव ही क्यों एमपी में पार्टी के सबसे पसंदीदा चेहरा बने? आज हम उन पांच कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण, पिछड़े चेहरे पर फोकस। पिछड़े समुदाय से आने वाले मोहन यादव को चुनकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों वोटरों को लुभाएगी। बीजेपी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में पिछड़ा चेहरा चुना है और वह विपक्षी गठबंधन इंडिया के जातिगत जनगणना के कार्ड के रूप में इस्तेमाल करेगी। अब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी ओबीसी समुदाय को अपने पाले में करने के लिए हर प्रयास कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने शिवराज को हटाकर मध्य प्रदेश में पिछड़े चेहरे से ही रिप्लेस किया है। कारण नंबर दो, अंदर से बाहर तक भाजपाई है मोहन यादव। मोहन व यादव ही क्यों, इसका जवाब खोजने के लिए हमें डॉक्टर मोहन के राजनीतिक बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है। यह समझना पड़ेगा कि वो बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। मोहन यादव छात्र राजनीति के समय से ही बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े रहे। मोहन यादव 1984 में एबीवीपी के उज्जैन अध्यक्ष बने और 1986 तक इस पद पर रहे। एबीवीपी के सहारे वे बीजेपी की राजनीतिक गलियारों की ओर कदम बढ़ाते रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश में एबीपी के राज्य सह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जैसी भूमिकाओं को भी निभाया। कारण नंबर तीन, आरएसएस से है पुराना नाता। मोहन यादव आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। छात्र राजनीति के समय से उन्होंने उज्जैन में आरएसएस की तमाम कार्रवाइयों में भाग लिया है और 1993 से 1995 के बीच वो आरएसएस उज्जैन शाखा के सह खंड कारवा भी बने। आगे 1996 में उज्जैन आरएसएस शाखा में खंड कारवा और नगर कारवा बने। बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए मध्य प्रदेश को प्रयोगशाला कहा जाता है। अगले लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ऐसे चेहरे को चाहती थी जो जितना करीब बीजेपी को हो वह आरएसएस के नेतृत्व को भी अपने उतना ही करीब नजर आए। इस प्रोफाइल में मोहन यादव एकदम फिट बैठते हैं। कारण नंबर चार, मालवा निवाड़ पर मजबूत पकड़ रखना। इस बार के चुनाव में मालवा निवाड़ से बीजेपी को ज़्यादा फायदा हुआ और अब पार्टी ने उसी क्षेत्र से सीएम चुनकर यहां के लोगों को संदेश भी दिया है कि 2024 में भी आशीर्वाद बना रहे। एमपी में सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जीत की तिजोरी कहे जाने वाले मालवा निवाड़ में 66 सीटों में से बीजेपी ने 48 पर जीत दर्ज की। पिछली बार यहां की 35 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस सिमटकर मात्र 17 सीटों पर आ गई। यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी काम नहीं आई। मालवा निवाड़ के 6 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। उन जिलों की 30 सीटों से कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई है। बीजेपी का प्रयास है कि जीत का यह अंतर 2024 के आम चुनाव में भी बना रहे। कारण नंबर पाँच, यूपी बिहार के यादवों को लुभाने का प्रयास।
बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों के बाद बीजेपी यादव वोटरों के बीच पैठ बनाने की जुगत में है। अभी बिहार में आरजेडी तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के जुगाड़ में बीजेपी लगी हुई है। अभी इन दोनों राज्यों में यादव वोटर इन्हीं दोनों पार्टियों को वोट देता आ रहा है। इस खबर में इतना ही। वैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा मोहन यादव को राज्य का सीएम बनाए जाने पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।